नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन करंट फ्लो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब क्या निकालना है हमें, टॉर्क निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है, और अगर फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स की वैल्यू होती है एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ओके, क्या होता है एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन को निकालें, फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, और अगर अगर क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसमें हर एक सेगमेंट पे फोर्स आता है, मगर नेट फोर्स उस पे क्या होता है, जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो हो सकता है, मतलब नेट फोर्स जीरो होता है तब भी उसपे टॉर्क एक्ट करता है, मतलब टॉर्क लगता है। तो हम यही वही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कितना टॉर्क लगेगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां हमने कॉइल रखेंगे, हमने लिया मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, इसके बीच में हमने रखा है कॉइल। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है जिसका हमें सब कुछ पता है, ये सी क्यू आर एस। ओके, अब इसमें करंट हमारी क्या फ्लो हो रही है, आई करंट जा रही है, इधर भी आई है, इसमें ऐसे आई है। ओके, जो हमने रेक्टेंगुलर पाया रखा है उसका हमें सब कुछ पता है, लेंथ पता है इसकी, लेंथ एल है, ब्रेथ इसकी बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसमें रखी है, बी में रखी है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई आई। तो अच्छा, अगर ये देखा जाए P और Q, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कैसे हो जाएगी, S से। ओके, अब यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, इस वाले सेगमेंट में देखो F इक्वल टू आई एल बी, एक फॉर्मूला बनाए F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू आर में देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और करंट की डायरेक्शन ये या लेंथ की डायरेक्शन ये, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री इन PQR। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब थीटा 180, साइन 180 की वैल्यू माइनस वन जीरो, जीरो जीरो, साइन 180 की वैल्यू जीरो, तो यहां हो जाएगा फोर्स क्या हो जाएगा, इस वाले सेगमेंट पे फोर्स PQ पे कितना जाएगा, जीरो। नीचे निकालते हैं एस आर वाले पे, इन एस आर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और लेंथ भी ये, तो इनके बीच का एंगल, या करंट की डायरेक्शन भी इधर, तो इनके बीच का एंगल जीरो जीरो। थीटा कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। तो फोर्स कितना, साइन जीरो, साइन जीरो 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 होता है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पे इस वाली आर्म पे भी हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहां देखते हैं इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ, और करंट ऊपर की तरफ, लेवल लेफ्ट हैंड रूल तो यही तो होता है, इसको किस डायरेक्शन में रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये अंगूठा होता है किसको बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे हो गई, करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ एंगल कितना हो रहा है, 90 साइन 90 वन के बराबर होता है, तो मैक्सिमम फोर्स आ रहा है, तो किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ, ये आई एल बी तो आएगा। अच्छा, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट नीचे की तरफ तो फोर्स बाहर की तरफ, तो यहां पे कितना आएगा फोर्स, ये आई एल बी, ये तो फोर्स आएगा इसमें ऊपर की तरफ और इसमें इधर की तरफ, तो ये इस कॉइल को ऐसे कर देगा, रोटेट कर देगा। तो इन डिस्प्लेस कंडीशन, अब डिस्प्लेस कंडीशन क्या रहेगी, इन
डिस्प्लेस्ड कंडीशन। डिस्प्लेस्ड कंडीशन देखो क्या आ जाएगी, और रोटेशन इसका कैसे है, इसके एक्सिस के एक्सिस में रोटेट कर देना ऐसे, ये ऐसे ही तो रोटेट करेगी, वैसे इसका एक्सिस और रोटेशन ये वायर ही बने हुए हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो ये है ये ऐसे होगी, ये बाहर जाएगी होती है यहां से, नहीं तो होगा। और एरिया, एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो एरिया इधर की तरफ आ जाएगा, ये एरिया की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा थीटा, और ये जो फोर्स लग रहा है ये इधर की तरफ लग रहा है आई एल बी, और इसमें बाहर की तरफ लगेगा आई एल बी, समझ गया भैया, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, अगर इनको ऐसे करके बढ़ाया जाए ऐसे पीछे की तरफ की, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी, यही तो मिलेगी, और इसका रोटेशन ऐसे हो जाए, ये हो जाएगी पी क्यू आर एस आर, पी क्यू एस आर, इतना समझिए कैसे बनाया, इसको ऐसे करके बनाया, कोई कॉपी लो, कॉपी लो, ये पहले रखी थी ये ऐसे क्वाइल, ऐसे थी ठीक, ऐसे, और जब इस पे फोर्स इस वाली आर्क पे पीछे की तरफ लग रहा है और इस पे आगे की तरफ, तो इसका रोटेट, और यहां से ये रोटेट हो रही है, इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन ये हो गई, तो ये ऐसे करके ये इस कंडीशन में आ जाएगी, देखो ये इस कंडीशन में, तो एरिया इधर की तरफ, ये वाला एरिया इधर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से होती हुई बाहर निकलेगी, तो इसके अंदर से होती हुई बाहर की तरफ निकल रही है बी, अब फोर्स अभी भी ये वाला जो फोर्स है इस पे इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो लग रहा है, समझ गए, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये हो गया, ये समझ गए, यहां तक हां बोलो सही, आई एल बी बता रही क्या है, हां आई एल बी यहां से निकला जो फोर्स होता है, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है जो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ थी, तो अंदर की तरफ लगी तो बाहर की तरफ ये निकल रही, ओके, ये इसी को नॉर्मल ही बोलते हैं, ए वेक्टर जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल, समझ गए यहां तक। अब यहां से देखो, अगर हम लोग इसको यहां से देखें, आप बनाते हैं ये आप बन गई, कहां से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे इसको तो देखो हमें क्या चीज दिखाई देगी, हमको सिर्फ ये दिखाई देगा पी क्यू, ये वाली आर दिखाई देगी, अरे ऊपर से इसको देखोगे तो यही तो दिखाई देगा, यस सर, यही रोटेशन, यही दिखाई देगा, यस सर, अब ये हो गया। अच्छा जब इसको देखेंगे तो हमें लगेगा फोर्स किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, जी सर, ये कितना लगेगा आई एल बी, और इसमें लगेगा नीचे की तरफ जा रहा है ये, अब ये हो जाएगा आई एल बी, समझ गए। अब इसमें देखो ये ऐसे करंट आ रही थी, ये करंट अंदर की तरफ जा रही है ना, ये ऐसे मान लो अंदर की तरफ करंट आ रही है, तो ये क्रॉस, क्या अंदर की तरफ जा रही है ना, क्रॉस से, क्रॉस का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन इनवर्ड, और इसमें लगेगी बाहर की तरफ आ रही, तो यहाँ डॉट, समझ गए ना बेटा। अब अगर यहां से देखोगे तो लगेगा ये एरिया, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी, और जो एरिया बना है इसकी डायरेक्शन ऐसे लगेगी ये, और इन्हीं के बीच का एंगल कितना था, ये थीटा था, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो फोर्स तो हमें पता है आई एल बी लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कौन सी चाहिए, ये वाली, ये डिस्टेंस, ये वाली
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये लग रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो हो गई, समझ गए। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, यही तो होगा। अब इसकी ब्रेथ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी b, क्योंकि इसकी ब्रेथ ही तो है ऊपर वाला पोर्शन और लेंथ l है। अरे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल हुआ थीटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो तो 90 बनाएगा ये एंगल, इससे 90 बनाएगा, लग नहीं रहा ना, लगा तो ये ऐसे बनाएगा 90 ए वेक्टर, ये इससे परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री, तो 90 से ये थीटा माइनस कर दोगे तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180, 90 माइनस थीटा, ये समझ में। तो ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, यहां लिख देते 90 माइनस थीटा एंगल होगा जी सर, ये 90, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसको x अगर मान ले तो हमने लिख दिया था, अब इसको x मान ले तो x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 0 नहीं इज इक्वल टू 180, 90 90 कट जाएगा 180 से, x का थीटा बचा ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा थीटा के, समझिए ना, ऐसे ही डायरेक्ट हमने लिखा था थीटा, समझ गए क्यों। अब यहाँ हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये क्या था q और ये था p और इसको मान लो m, यहाँ लगाए साइन थीटा इक्वल टू क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ट्राइंगल, कौन सा इन ट्राइंगल POM साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब PM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा PQ, नहीं तो होगा तो PM इज इक्वल टू PQ साइन थीटा। अच्छा PQ की वैल्यू क्या है, B है, तो PM इज इक्वल टू B साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई B साइन थीटा के। ओके टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कूलर डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है टॉर्क और टाउ से लिखते हैं, फोर्स कितना लग रहा है आई एल डी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है b साइन थीटा। ओके टॉर्क क्या हो जाएगा आई बी एल इंटू बी, ये लिख सकते हो साइन थीटा। अच्छा लेंथ है इस आर्क, इस जो रेक्टेंगुलर पाई इसकी लेंथ कितनी थी l और ब्रेथ कितनी थी b, l इंटू बी किसके बराबर हो जाएगा एरिया के बराबर, इस रेक्टेंगुलर फाइल का एरिया मान लेते हैं a, तो l इंटू बी a के बराबर हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी सॉरी आई ए बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। ओके इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। अब हमें डायग्राम एग्जाम में बनाना कौन सा है, एग्जाम में हमें डायग्राम बनाना कौन सा है। अच्छा एक इफ नंबर ऑफ टर्न, इफ नंबर ऑफ टर्न एन हो जाए, क्या हो जाए एन, तो तब टॉर्क कितना हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ओके एम इज इक्वल टू एन आई ए, ये किसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ये किसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट, एम से लिखते हैं तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना समझ गए बेटा, ये होता है वेक्टर फॉर्म में, ओके। अब इसमें केस होते हैं, कुछ केस, केस क्या होता है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है इफ, क्या होगा केस, इफ प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल, इफ प्लेन ऑफ लूप पैरेलल टू बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, टू बी वेक्टर, अच्छा पैरेलल टू बी वेक्टर होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा। देखो ये पैरेलल टू बी वेक्टर है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो साइन अब यहां रखे हैं, ये तो टाउ इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ इज इक्वल टू n इनटू d, टाउ मैक्स आएगा इसमें, क्या आएगा साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ मैक्स आएगा। केस सेकंड हमारा क्या है, केस सेकंड, एक प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो थीटा, अब देखो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर जैसे ये है ये, और ऐसे ही ये प्लेन ऑफ लूप ऐसे रख दोगे तो थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर भी उधर ही की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर उसी की तरफ, थीटा कितना 0 डिग्री, साइन 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब प्लेन ऑफ लूप पैरेलल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है तो टॉर्क कितना आ जाता है 0 होता है। इतना क्लियर हो गया, अच्छा एक चीज और, एग्जाम में बना कौन सा डायग्राम बनाओगे, ये दोनों तो हम लोगों ने समझने के लिए बनाया, एग्जाम में जो बनाएंगे वो ये वाला बनाएंगे, समझ गया ना, ये चीजें हम लोगों ने किस लिए बनाई है, ये डायग्राम समझने के लिए, एग्जाम में हमको ये वाला बनाना है, ओके। इसमें कोई दिक्कत है, अगर हो तो पूछ सकते हो, नहीं ओके, थैंक यू।